ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इज बिल्ड एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर एटी फोर एंड गाइस डोंट फर्गेट टू शेयर योर रिव्यूज एंड पुट ऑन योर इयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस तो चलिए शुरू करते हैं अब तक आपने पढ़ा परिधि को समझते देर नहीं लगी कि अधिराज अभी भी अपनी यादों की दुनिया में ही उलझा हुआ है भले ही उसने अधिराज का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था लेकिन मेडिकल फील्ड से होने के कारण वह अपने पर्सनल झगड़े को अपने प्रोफेशन के बीच नहीं आने दे सकती थी और यह उसकी ड्यूटी थी कि वह एक डिप्रेस्ड आदमी की हेल्प करे परिधि ध्यान से उस साड़ी को देखने लगी जो सलीके से फोल्ड की हुई अधिराज के वार्ड्रोब में रखी थी फिर उसने पलट कर बिस्तर पर पड़ी उस साड़ी की तरफ देखा जो उसने उतार कर अधिराज के मुंह पर फेंकी थी और अब परिधि को अधिराज से शर्म आने लगी थी क्योंकि उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गुस्से में ब्लाउज और पेटीकोट तक उतार कर अधिराज के मुंह पर फेंक दिया था अब आगे लेकिन उसने अपनी शर्म को साइड में रखते हुए वापस से अधिराज के वार्ड्रोब में रखी साड़ी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए अधिराज की तरफ देखकर व्यंग भरे लहजे में बोली अच्छा तो अब मैं समझी यह एक डिजाइनर पीस है डिमांडिंग पीस भी है तो हो सकता है ये बहुत सी रिच लेडीज के पास होगी तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर अधिराज की अगर उनमें से कोई भी लेडी इस साड़ी को पहनेगी आई I मीन mean, इस तरह दिखने वाली साड़ी को पहनेगी तो आपको उसमें स्वरा दिखाई देने लगेगी वह परिधि बात ऐसी नहीं है अधिराज ने रुकते अटकते हुए कहा लेकिन परिधि ने उसकी बात काटते हुए कहा नहीं ऐसी ही बात है अगर कोई भी लेडीज ऐसी साड़ी पहनेगी तो आपको उसमें स्वरा दिखाई देने लगेगी फिर आप उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करेंगे फिर चाहे वह यंग हो आंटी हो या फिर दादी की उम्र की हो किसी और की पत्नी भी हो तब भी आप ऐसा ही करेंगे भले ही उसका पति सामने खड़ा देखता रहे और अगले पल में आपका मुंह तोड़ दे परिधि ने अधिराज से बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछ लिया था जिसका अधिराज कैसे जवाब दे यह उसे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था इसीलिए उसने परिधि की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा कहा लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया हाँ वह बात अलग है कि ऐसी ही साड़ी में देखकर मैं तुम्हारे करीब आ रहा था और शायद तुम नहीं रोकती तो लेकिन तुम मुझसे ऐसे आधे तेरे सवाल क्यों कर रही हो और तुम्हारे करीब आने पर भला तुम्हारा पति मेरा मुंह क्यों तोड़ेगा क्योंकि तुम्हारा पति तो मैं ही हूँ परिधि में रिलैक्स साउंड करते हुए कहा ये तो मैं जानती हूँ आप खुद अपना मुंह नहीं तोड़ सकते लेकिन कोई बात नहीं अगली बार अगर ऐसी गलतफहमी आपको हुई तो मैं जरूर आपका मुंह तोड़ दूँगी परिधि ने इतना ही कहा था कि अधिराज ने परिधि की कमर पर हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर दांत पीसते हुए बोला और क्यों मुँह तोड़ोगी तुम मेरा भूलो मत हमारी शादी हो चुकी है परिधि ने अधिराज की आंखों में देखते हुए सवालिया लहजे से कहा मैं तो नहीं भूली हूँ लेकिन आप जरूर भूल गए हैं कि हमारी यह शादी नाम की है इनफैक्ट मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया कि आपने मुझसे शादी की ही क्यों आपके आसपास तो कितनी लड़कियां हैं आपके ऑफिस में काम करती हैं आपकी कोई फ़्रेंड होगी उनमें से किसी से आपने शादी क्यों नहीं की मुझसे ही क्यों क्योंकि उनमें से किसी की भी जिंदगी पर मेरा उतना हक नहीं है जितना तुम्हारी ज़िंदगी पर है अधिराज ने परिधि की आंखों में देखते हुए इरोगेंट वे में कहा लेकिन परिधि को अधिराज की बात का मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया उसने अधिराज की तरफ क्यूरियोसिटी से देखते हुए कहा मतलब मतलब ये कि मैं तुम्हारी इज्जत और जान दोनों बचाए है तुम आज अगर ज़िंदा हो सांस ले रही हो तो उसकी वजह मैं हूँ इसीलिए तुम्हारी यह ड्यूटी बनती है कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल करने दो जैसे मैं करना चाहूं अधिराज ने परिधि की आंखों में देखते हुए पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से कहा परिधि हैरान थी अधिराज को अपनी सांसों पर ऐसे हक जताते हुए देखकर तो परिधि ने अधिराज की तरफ सवालिया लहजे से देखते हुए कहा तो क्या अब आप मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मेरी इज्जत का इस्तेमाल भी अपनी मर्ज़ी से करेंगे ये सवाल पूछते हुए परिधि की आंखों में नमी आ गई थी क्योंकि अधिराज ने सच में उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे हाथ लगाया था नहीं मुझसे शादी हो जाने के बाद तुम्हारी इज्जत पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि अब तुम अधिराज खन्ना की वाइफ हो और तुम्हारी इज्जत उसकी इज्जत है इसीलिए अब कोई भी तुम पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता अधिराज ने परिधि को भरोसा दिलाते हुए कहा मैं जानती हूँ कि कोई और मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता लेकिन क्या आप इसी तरह बिना किसी कमिटमेंट के मेरे करीब जबरदस्ती आएंगे जबकि आप भी जानते हैं कि आपके दिल में सिर्फ स्वरा और स्वरा की यादें हैं परिधि ने अधिराज की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया परिधि की आंखों में इस समय नमी थी क्योंकि वह ये जानती थी कि अधिराज ना ही उससे प्यार करता है और न ही अधिराज के लिए इस शादी के कोई मायने हैं कहीं ना कहीं परिधि यह भी जानती थी कि अधिराज ने ये शादी सिर्फ मालती जी की खुशी के लिए की है अधिराज भी जानता था कि उसने परिधि की तरफ बहक कर गलती की थी भले ही अधिराज ने परिधि की जान और इज्जत बचाई थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि परिधि के शरीर पर उसका हक हो गया परिधि और अधिराज के चेहरे अभी एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे एक जवाब जानने के इंतजार में तो दूसरा अपने ही सवालों में उलझा हुआ अधिराज के पास अब परिधि के सवाल का कोई जवाब नहीं था इसीलिए वह इधर उधर देखने लगा उसने अचानक से परिधि की कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और बोला आई थिंक हमें बाद में बात करनी चाहिए कहकर अधिराज चुपचाप सावर लेने निकल गया और वही परिधि अपने जवाब के इंतज़ार में ही अकेली खड़ी रह गई अधिराज उसकी आंखों के सामने से बिना उसकी बात का जवाब दिए जा चुका था लेकिन परिधि ने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा नहीं परिधि तू ऐसे रो नहीं सख्ती तुझ पर पराग की जिम्मेदारी भी है जो तुझे मजबूत बनकर निभानी है तुझे जल्द से जल्द अपने लिए जॉब ढूँधनी होगी वरना आगे पराग की पढ़ाई के पैसे भी तुझे अधिराज से मांगने पड़ेंगे जो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सबसे बड़ी चोट होगी वैसे भी यह शादी अधिराज ने जबरदस्ती की है जब उन्हें ही यह निभाने की चिंता नहीं है तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है तुझे तो अब तक रिश्तों से उम्मीद ना रखने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अधिराज को अपने लिए वाइफ नाम का शो पीस चाहिए था जो उनके लिए तू है और बदले में उन्होंने तुझे इतनी सिक्योरिटी दी है कि तू अब दिल्ली में जहाँ चाहे जॉब कर सकती है चुपचाप अपने काम पर फ़ोकस कर कहते हुए परिधि खुद को समझाने लगी दूसरी तरफ़ शेखावत कंपनी विद्युत विक्रम के कहने पर कर्मा इंडस्ट्रीज़ की तरफ़ से आए प्रोडक्ट्स के इंस्पेक्शन के लिए आया था प्रोडक्ट्स तो उसे बहुत अच्छे लगे थे ऑफ़र प्राइस भी इतने अच्छे थे कि कोई भी बड़ा बिज़नेसमैन उनसे डील करने के बारे में सोचे लेकिन विद्युत इतनी जल्दी नए लोगों पर भरोसा नहीं करता था इसीलिए उसने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा कर्मा इंडस्ट्रीज के ओनर को फोन लगाओ और जल्द से जल्द मेरे साथ उनकी मीटिंग फिक्स करवाओ विक्रम ने विद्युत के सामने ही कर्मा इंडस्ट्रीज के प्रोवाइडेड नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से अजय ने फ़ोन उठाया विक्रम ने अजय से बात की तो पता चला कि वह और कर्मा इंडस्ट्री के मालिक आज इसी शहर में हैं। विद्युत जो कि विक्रम की बातें सुन रहा था उसने तुरंत अपने तब में अपनी अपकमिंग मीटिंग्स चेक की और इशारा किया कि अगर आज शाम फोर ओ बजे वह लोग फ्री है तो मीटिंग कर सकते हैं विक्रम ने अजय से कहा मिस्टर अजय सहगल आज शाम फोर ओ बजे आप शेखावत कंपनी के साइन इन अथॉरिटी से मिल सकते हैं बातों ही बातों में विक्रम ने कर्म इंडस्ट्रीज के ओनर और अजय सहगल की आज फोर ओ बजे की मीटिंग विद्युत से फिक्स कर दी थी शाम फोर ओ क्लाक बजे शेखावत कंपनी मीटिंग रूम में विक्रम और अजय सहगल बैठे हुए थे अजय सहगल ने विक्रम को बेसिक ब्रीफिंग दी विक्रम ने अजय सहगल से सवाल किया कर्मा इंडस्ट्रीज के ओनर नहीं आए जी वह बस आती ही होंगी अजय सहगल ने विक्रम की तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंस से कहा थोड़ी ही देर में विद्युत भी मीटिंग रूम में आ चुका था लेकिन कर्मा इंडस्ट्रीज की ओनर अब तक नहीं आई थी और फाइनली यह डिसाइड हुआ कि अब उनके बिना ही मीटिंग स्टार्ट की जाए अजय सहगल ने विद्युत और विक्रम के सामने कर्म इंडस्ट्रीज की मैन्यूफैक्चरिंग की बेसिक डिटेल्स और अपने प्रोडक्ट में उसे किए जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन किया लेकिन अब तक अजय सहगल को विद्युत और विक्रम से वह डिटेल नहीं मिली जो वह यहाँ लेने आया था अचानक कुछ सोचते हुए अजय सहगल ने अपना मोबाइल उठाकर किसी को एक मैसेज किया और फिर विद्युत की तरफ देखते हुए बोला एक्चुअली मिस्टर शेखावत हमारे पास आपके लिए एक ऑफ़र और है जो मैंने आपको इस डील में इंक्लूड करके नहीं बताया है विद्युत और विक्रम क्यूरियोसिटी से अजय सहगल की तरफ देखने वालों की मार्केट से इतनी कम रेट लगने के बाद वी अब वह कौन सा ऑफर दे सकता है एवं विद्युत की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी डिस्काउंट देने पर ही कर्मा इंडस्ट्रीज लॉस पर यह डील कर रही थी विद्युत और विक्रम की क्यूरियोसिटी देखते हुए अजय सहगल ने कहा एक्चुअली आप तो जानते ही हैं कर्मा इंडस्ट्रीज की ओनर एक लेडी है और अगर आप इस डील में अपनी तरफ से भी एक लेडी को इंक्लूड करते हैं तो आपको टोटल बिल पर टेन परसेंट डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा लेकिन अब विद्युत की क्यूरियोसिटी की हद हो चुकी थी उसने सवालिया लहजे से अजय सहगल की तरफ देखते हुए कहा देखिए आई डोंट नो आप किस बेसिस पर मुझे डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं बट मैं जब तक कर्मा इंडस्ट्रीज की ऑनर से डायरेक्टली नहीं मिल लेता तब तक मैं कोई डील साइन नहीं करूंगा कहकर विद्युत अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसने अपना कोट उठाया और मीटिंग रूम से बाहर जाने लगा लेकिन तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और एक लड़की ने लेंथ ब्लैक वन पीस में मीटिंग रूम में इंटर हुई और स्टाइलिश तरीके से वॉक करके टेबल की तरफ आते हुए बोली वो कम ऑन विद्युत अब इतना भी क्या डेस्परेट होना मुझसे मिलने के लिए सारिका तुम सारिका को मीटिंग रूम में देखते ही विद्युत और विक्रम के मुंह से एक साथ निकला लेकिन सारिका ने बारी बारी से विद्युत और विक्रम की तरफ देखते हुए कहा कमाल है एक टाइम था जब मुझे लगता था तुम दोनों को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी अलग है एक अनार दो बीमार टाइप्स ओके लेट्स कंटिन्यू द डील कहते हुए सारिका अजय के बगल वाली चेयर पर बैठ गई तो कर्मा इंडस्ट्रीज की ओनर तुम हो विक्रम ने हैरानी से सारिका की तरफ देखते हुए कहा हाँ क्यों तुम्हें क्या लगता है सिर्फ़ तुम दोनों भाई ही बिजनेस कर सकते हो मैं नहीं सारिका ने सवाल किया। लहजे से विक्रम की तरफ देखते हुए जवाब देकर सवाल किया पर जवाब विद्युत ने दिया तुम कुछ भी कर सकती हो सारिका तो फिर बिजनेस क्या चीज़ है लेकिन तुम्हारी हैसियत अभी इतनी ऊंची नहीं हुई कि तुम शेखावत कंपनी के साथ बिजनेस कर सको इसलिए दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से कहते हुए विद्युत के लहजे में एक सख्ती थी वो कम ऑन विद्युत मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े मिजोजिनिस्ट हो कि तुम्हें अपनी इनसक्सेसफुल वाइफ पर तो बड़ा प्यार आता है लेकिन जैसे ही तुम किसी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन को देखते हो तुम जेलैस फील करते हो सारिका ने विद्युत को ताना मारते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है सारिका ये सिर्फ़ तुम्हारी गलतफहमी है सारिका की तरफ़ देखते हुए गुस्से से कहा ओ रियली विद्युत थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद थे हमारी बिल्ड क्वालिटी बहुत पसंद थी इनफैक्ट अजय के साथ तुम ऑलमोस्ट डील फाइनल कर चुके थे लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि कर्मा इंडस्ट्रीज की ओना मैं हूं तुम डील से पीछे हट गए कहते हुए सारिका ने विद्युत के एटीट्यूड पर वार किया वैसे तो सारिका के इस वार पर विद्युत पलट कर उसे डील करने के लिए रेडी हो जाता लेकिन अजय ने जिस तरह से कर्मा इंडस्ट्रीज के नाम पर उन लोगों को डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिए थे यह बात विद्युत के लिए थोड़ी सी इंडाइजेस्टेबल थी इसलिए उसने मीटिंग रीशेड्यूल कर दी दूसरी तरफ अधिराज जो कि अभी अभी ऑफिस से लौटा था और अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि बिस्तर पर वह साड़ी फोल्ड की हुई रखी है जो मालती जी ने परिधि को दी थी परिधि ने वह साड़ी अपने कपड़ों में नहीं रखी थी और ना ही उसने अधिराज की वार्ड्रोब को हाथ लगाया था और उसे साड़ी के ऊपर ही नेकलेस का वह बॉक्स भी रखा हुआ था जो अधिराज ने कल रात परिधि को दिया था अगल बगल उन गहनों के बॉक्स भी रखे हुए थे जो मालती जी सुबह सुबह परिधि के लिए लाई थी अधिराज नहीं चाहता था कि मालती जी के इतने प्यार से दिए गए गहनों को परिधि कैसे रिजेक्ट कर दे लेकिन उनके दिए हुए गिफ्ट के ऐसे रिजेक्शन की वजह भी तो अधिराज ही था ना वह परिधि पर चोरी का इल्जाम लगाता और ना परिधि इन सारे गिफ्ट्स को ऐसे ही छोड़ देती अगर माँ को इन सब के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा मैं चाहे जैसा भी हूँ लेकिन माँ तो परिधि को मन से मानती है परिधि को उनके दिए हुए गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने ही होंगे मैं मनाऊंगा उसे वह ऐसे माँ की परवाह को नजरअंदाज नहीं कर सकती कहते हुए अधिराज ने वह साड़ी और गहने उठाए और उन्हें रखनों क्लोजिड रूम की तरफ चला गया सो डोंट फर्गेटेटेटेटेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सकें एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे